आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज आजमगढ़ से। इस समय फूलपुर में उपस्थित हैं। यहाँ फूलपुर तहसील के अंतर्गत माहौल के आसपास यह चकत्ती ग्राम सभा है, जिसमें एक शख्स कहीं ना कहीं गलत तरीके से नौकरी हथियाने का प्रयास, गलत तरीके नौकरी के बदौलत किसी को जान से मारने की धमकी भी देता रहता है। आइए अभी हम उस शख्स से बात करते हैं जिनको यह धमकियां मिली हैं। उस शख्स हमारे पास मौजूद हैं, उसे पूरी जानकारी लेते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद। क्या मामला है बताइए? मामला ये है कि मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे और क्या नाम है PWD विभाग में अंतर्जी अभियंता खंड 2 में जी कई बार क्या नाम लेटर दिया, लेकिन गलत तरीके से नौकरी आदमी कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कौन सा वो आदमी है कि जो गलत तरीके से नौकरी कर रहा है, और कैसे ये आपको मालूम है कि वो गलत तरीके से नौकरी कर रहा है? लवली प्रसाद दत्तक खुद बहादुर जी की मृत 26/5 को हुई। तो गलत तरीके से इस तरह है कि बहादुर के मरने के बाद 26/5 को बहादुर मर रहे हैं, 26/5/2004 जी, और 1/9 को 2004 गोदनामा बनवाता है, रजिस्टर्ड फूलपुर तहसील में है। दूसरा गोदनामा 19/1/2004 का बना है आपका लिखा हुआ, और रावरी की उम्र 1950 की पैदाइश है जी। परिवार रजिस्टर में 1967 दिखाया गया है, 66 में वो हाई स्कूल करता है, 68/69 में इंटर करता है। अच्छा, क्या ये जो कह रहे हैं कि उनका जो जन्मतिथि आप बता रहे हैं, वो तो लिखित प्रमाण दे रहे हैं? लिखित में दे रहा हूँ सब। अच्छा, आपके पास भी लिखित है? मैं अच्छा ठीक है, आगे बताइए। वो रजिस्टर परिवार रजिस्टर में 67 है, और स्कूल की सर्टिफिकेट में 1950 है, 66 में हाई स्कूल, 68/69 में इंटर किए, और 72 में उनकी लड़की पैदा होती है जी, 72 में लड़की पैदा होती है, और वो 21/12 को उनकी मृत्यु हो जा रही है, और उनका लड़का प्रमोद कुमार वही नौकरी हथियाना चाहता है। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है इसमें, ये चीज़ बताइए। तकलीफ हमको ये है कि हमारी जमीन उसने हड़पा हुआ है, हम मुकदमा किए हैं, हमको गलत तरीके से मारने का वो कर रहा था। अच्छा, तो क्या वो आपके परिवार हमारा है, परिवार पड़ोसी है, नौकरी के बदौलत आपको मारना चाहता है? नौकरी एक पैसे के बल पे उसने ऐसा किया, पुलिस को दे के क्या नाम पैसा हमारा घर जुड़वाया, और हम स्टे लेके गए, क्या नाम है ना तो इंचार्ज लिया था ना तो क्या नाम इसको लिया। यानी आपका मानना है कि वो गलत तरीके नौकरी कर रहा है? गलत तरीके वो नौकरी कर रहा है। हमारे पास सारी टिकट भी है, परिवार रजिस्टर नकल भी है, गोदनामा भी है।